व्हाट्स अप एवरीवन विद दिस बिग स्माइल, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो मैं खड़ा हूँ आज भक्सू धर्मशाला में और जा रहा हूँ त्रिउंड के ट्रैक के लिए। तो त्रिउंड के ट्रैक के लिए हैं दो रास्ते भक्सू से, एक है गुल्लू देवी टेम्पल से होते हुए और एक है भक्सू नाग वाटरफॉल से। तो गुल्लू देवी वाला थोड़ा इजी है, तो हमने लिया है भक्सू वाटरफॉल वाला। तो ये रास्ता जाता है भक्सू वाटरफॉल को। चेंज इज ऑलवेज परमानेंट डूड। हाँ जी, तो ये जो रास्ता जा रहा है ये है भक्सू नाग वाटरफॉल को। हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स शिवा कैफ़े और फिर शिवा कैफ़े से हम स्टार्ट करेंगे त्रिउंड का ट्रैक। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं शिवा कैफ़े। ये रहा शिवा कैफ़े, अभी शायद खुला नहीं है, वैसे अभी 9:20 हो रहा है। तो लेट्स सी अगर कुछ मिलता है यहाँ पे, तो कॉफ़ी पीऊँगा, अदरवाइज़ सीधा निकलूँगा ट्रैक के लिए। चलिए, कुछ सीन बना नहीं कॉफ़ी का, अभी भैया प्रिपेयर ही कर रहे हैं। तो ये जो कैफ़े है यहाँ से इनका गेट से निकल के वो सीधा जो रास्ता जा रहा है वो त्रिउंड ट्रैक के लिए चल रहा है। तो आई एम सो एक्साइटेड, काफ़ी दिन से यहाँ हूँ लेकिन अब जाके मौका मिला है त्रिउंड ट्रैक करने का। तो वो जो आपको दिख रहा है वो है धर्मशाला, फिर उसके ऊपर वो है मैक्लोडगंज, फिर ये है भक्सू जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था, फिर उसके ऊपर आई गेस धर्मकोट है। तो मैंने बताया नहीं आपके साथ अपने साथ क्या क्या लेके चला हूँ। एक सेकेंड, मैं चला हूँ ये पुचको सा बैग लेके, इसमें रखा है मैंने वाटर बॉटल, थोड़ा चखना और एक इमरजेंसी जैकेट इनकेस बारिश का सीन हो। वैसे होता तो नहीं है बट यू नेवर नो। तो सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी छोटा ट्रैक है, 7 to 8 किलोमीटर्स का है। तो होपफुली मैं आज नीचे आ जाऊँगा। तो लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम अपना फर्स्ट ब्रेक। आई थिंक 2 किलोमीटर के राउंड तो आ ही चुका हूँगा। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रैक। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो ऐसी कुछ ट्रेल है हमारी। कसम से मैं तो अभी इसी व्यू को निहार रहा था और हमें क्या दिख गया यहाँ, ये तो जन्नत दिख गई। के लिए एक छोटा सा ब्रेक। तो वो है अपनी ट्रेल, उस ट्रेल से ऊपर जाना है, चलते हैं फिर आगे। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। हाँ, पहुंच चुके हैं, कोई कैफ़े है यहाँ पे। तो मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो निकलूंगा आगे। बस यहाँ से व्यू देखो, ये है पूरा धौलाधार रेंज प्यारा। मुझे मिल गए हैं दो भाई। आपका नाम क्या है भाई? दीपू धमन। दीपू धमन कहाँ से हो? दीपू धमन कुल्लू से। कुल्लू से। और भाई आपका नाम? ऋषभ शर्मा। ऋषभ, आप भी कुल्लू से हो? हाँ जी। अब आगे का सफ़र हम इनके साथ करेंगे तय। यहाँ से ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। हम त्रिउंड पहुंच चुके हैं। तो जो कैंपिंग साइट्स हैं यही है पूरी, और भाई लोग बता रहे हैं कि यही त्रिउंड ट्रैक है। अच्छा हाँ हाँ, ये सारा मतलब त्रिउंड ही है। अच्छा, वो पीछे जो भी हमने देखा हाँ जी हाँ वाला। तो यहाँ पे है शिव जी का मंदिर और वो वहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। यही है, सुबह निकला था और वहाँ से 9:20 के अराउंड, और अभी 12 बज रहे हैं तो सही पहुँच गया मैं। मेरे पीछे जो आपको रेंज दिख रही है ये है धौलधार रेंज, और यहीं की साइड कहीं एक इंद्रहार का ट्रैक होता है। तो बता रहे थे भैया काफ़ी अच्छा ट्रैक है वो। अभी यहीं पे चिल कर रहे हैं। चलो ऋषभ भाई को फिर हम कह रहे हैं बाय बाय। तो एक्चुअली इस प्लान में थोड़ा चेंज है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा त्रिउंड, तो मैं और भाई हमारे साथ हम जा रहे हैं स्नो लाइन। तो स्नो कैफ़े, स्नो लाइन कैफ़े। तो ऋषभ भाई के लिगामेंट में थोड़ा सा दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इशू हो जाएगा उन्हें ज़्यादा ट्रैक करने में। तो अब हम चलते हैं स्नो लाइन की तरफ। तो ये हमने पीछे त्रिउंड छोड़ दिया है, त्रिउंड को छोड़ के, और वो जो आप ऊपर टॉप देख रहे हो ना, जूम नहीं है इसमें, तो वो टॉप जो है उसके पीछे जाना है हमें। तो यहाँ से तो भैया बोल रहे थे एक कि हार्डली डेढ़ या दो घंटे का रास्ता है, तो वो भी कवर कर लेते हैं। तो ये पूरी वादियाँ जो आपको दिख रही हैं, धौलाधार रेंज, वो जस्ट सामने पहाड़ के नेक्स्ट होगा। मतलब ये वाला पहाड़ हम इस पे होंगे, उसके आगे वही दिखेगा हमें डायरेक्ट। तो सिर्फ उस व्यू के लिए जा रहे हैं। हाफ एन आवर हो गया आते हुए, तो 1-2 किलोमीटर इजिली कवर कर लिया हमने। यहाँ पर है एक मंदिर, और यहाँ से चलते हैं हम आगे। ये व्यू देखो आप, मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैकिंग में क्या मज़ा आता है। तो जब आपको ऐसे नज़ारे दिखे ना सामने, तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो पेड़ नहीं मिलेंगे, वो देखो व्यू, और हमें यहाँ पे मिल गई है बर्फ। तो मज़ा आ गया यार, मतलब यहाँ आना वर्थ था। और थैंक यू भाई को कि उन्होंने साथ दिया मेरा आने के लिए। वैसे मैं अकेला आना चाह रहा था, बट ये था कि कोई साथ में आ जाता तो और मज़ा आता है। तो हमें से 50 मिनट्स लगे नीचे से आने में, और वर्थ थे ये 50 मिनट्स, क्योंकि ऐसे नज़ारे देखने को मतलब मज़ा आ गया। चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी मज़ा आया यार, मतलब वर्थ था यहाँ पे आना, और ये नज़ारे देख के तो दिल बागबान हो गया। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या मिलता है ऐसे ट्रैक करके इतनी दूर आके। तो यार स्टेट ऑफ माइंड है, हर किसी का अपना लेवल है। किसी को रूम पे बैठ के मज़ा आता है, हमको ऐसी जगह देख के मज़ा आता है, ये नज़ारे देख के। बस जहाँ भी जाओ मन को शांति मिले, और क्या चाहिए। अब यहाँ से डिसेंड कर रहे हैं हम नीचे को। तो हम त्रिउंड मुझे लगे 2.5 आवर्स, हाँ बस, तो 2 घंटे लगे, लेकिन वहाँ पे बैठ बैठ के 2.5 आवर्स। तो 9:20 में मैं निकला था त्रिउंड से, और 1:50 के अराउंड, सॉरी 11:50 के अराउंड मैं पहुँच गया था त्रिउंड। फिर त्रिउंड से हमने स्टार्ट किया था 12:50 पे, 1 घंटा आराम से वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। 12:50 हम निकले थे त्रिउंड से, और 1:50 करेक्ट, 1:50 के अराउंड, 1:45 एक्चुअली हम पहुँच गए थे यहाँ स्नो लाइफ कैफ़े में। आपको वो दिख रहा है नीला हट, वो है त्रिउंड पे। मैं सीधा आपको मिलूँगा अब वहीं पे। तो ये रहा फिर वो ब्लू कलर का टेंट। हम पहुँच चुके हैं त्रिउंड के टॉप पे। और बेटे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। तो यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, फिर नीचे डिसेंड करते हैं यहाँ से। लीजिए हम पहुँच गए हैं फिर भक्सू वाटरफॉल। तो वो रहा सामने शिवा कैफ़े। चलिए जी, हम पहुँच चुके हैं भक्सू नाग वाटरफॉल। तो यहाँ से भक्सू ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। तो चलिए सर, बाय बाय करते हैं फिर। बाय बाय। तो इतना ही था यार इस ब्लॉग में। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। के जा रहे हैं बुरास घर पे चटनी बनाने के लिए, चटनी बनाएंगे। Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, oh, then gets empty again, better fill it up before I go.